download Tarang online radio app from Google Play Store. स्वामी पथिक जी महाराज के भजन और प्रवचन 2400 घंटे सुनते रहिए तरंग डिवोशनल रेडियो पर। तरंग डिवोशनल ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। पह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे शतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रुतिभाषामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्नोद गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टान् करिष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि Oh,
गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिनस्य यः परः स महेश्वरः रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनी श्रियं देवीं बहुले श्रीमान् देवीकृष्णां कां सोऽस्मितां ीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्वधान शृण्वन्नोदिविस्तीर्णसाधनम् निषुषीदगणपते गणेशत्वा माहुर्विप्रतमम् गवीनाे महामर्गम् भगवन् चित्रमर्च Yeah.
शक्तिस्तथावारं नक्षत्रं शक्तिरेव च योगश्च कर्णं चैव सर्वं शक्तिमयं जगत् ॐ स्वस्ति पुराणश्रवण श्लोक सेवावधार्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ स्वस्ति व्याकरण सेवावधार्य महेश्वर प्रत्याहार सूत्राणि ॐ सत्य प्रजाभ्य काले वर्षत पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशो यक्षो वरिहितो अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् कायेन वाचा मनसेन्द्रेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वाहात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि पुष्पाणि भवानि च पुष्पाणि जन्मयान परमेश्वरे कारणं समर्पय मनसा विष्णु प्रार्थनां समर्पयामि सेवाहस्तानि कर्मिणः सेवाः
सीताय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा विदिर्यन्तन्वानाः पर्वतन्वपुरुणम् वरुणम् श्रीयमुनामयी रामचंद्र की जय श्री रमण रेति धाम की जय श्री ब्रह्मांड विहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः संवत्सरः संवत्सर एवावरुन्धे मौंजी भवती ऊर्वै भुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म यदश्वमेधस्तमृद्ध्यै अमृतत्वाय दीवते जाताञ्च दिश्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे कोपाय रसमन्दमिहायुषे अदब्धायोषी ततन अविशन्नो शक्रस्य पशोन्मे गोपायाम् द्विपादोन्ये चतुष्पदः अष्टाशपाश्चैकशपा आशुगाः सप्रथतपाम्मे गोपायाम् ये च सभ्या आशभासदः सानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाविरुपासताम् अहे बुद्धियमन्त्रम् मे गोपाया यमृषयत्रैविदा विदुः सृजत्सामानीजुपुंषे सा हि श्रीरमृता सताम् ॐ सिन्धूराविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापि नमक्षोगुहाम् पाणिभ्रामलिपुरशकं दत्त्वार्थलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटत्तरक्तचरणां ध्यायेत्पराबन्दिकां ध्यायेत्पराबन्दिकां क्षीरोदनभक्तदेशेषु च मणिघटसतैरैर्मोक्तितानां मालाव्यक्तारस्थस्फटिकमणिनिभैर्मोक्तिभैर्मण्डिताङ्गाः शुभ्रैरभ्रैरभ्रैरपरिविरचितैरमुदपीयूषवर्षैः आनन्देन पुरीया दरिनलिनगता शङ्खपाणिर्मुकुन्दः उभौ पादौ यत्नाभिर्भियतसुरनिलच्छन्दौ च नेत्रे कर्णावाशा शिवो गौरवमपि दहनो यस्य वास्तेयमग्निः अन्तर्स्थयस्य गन्धर्वदैत्यैः चित्रङ्गं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं रमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शं मेघवर्णं शुभाङ्गम्
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे सर्वलोकैकनाथं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीदमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्रादरं चतुर्बाहुं श्रीपत्साङ्कितवक्षसम् रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं ॐ विश्वं विश्वर्पशक्तारो भूतभव्यभवत्सभुः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषस्याख्ये क्षेत्रज्ञाक्षरैव च योगो योगविदान्येता प्रसादपुरुषेश्वरः नारसिंहः पुष्णीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्पश्चिवस्ताडुर्भूताधिर्भिः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयम्भोश्यम्भुरादित्यः पुष्कराख्यो महात्मनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्तष्टा सविष्टत्वविरोध्रुवः अग्राख्य शाश्वत कृष्णो लोहिताख्य प्रतर्दनः प्रभूतस्तिगुरुद्धामपवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणद प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वे मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमानुराधर्षात्मवान् सुरेशरणं शर्म विश्वरेताः संवत्सरव्यालः प्रत्ययस्तर्वदर्शनः अजत्सर्वेश्वरः सिद्धसिद्धो सर्वाचुकः समात्मा सम्यगः समः रुद्रोपहुषिराबध्यो निश्चितिश्रवाश्वतस्थानं परारोहो महारवाः सर्वगस्सर्वनिर्भाणं विश्वत्रेण खड़ा हो जाओ।
आगे बढ़ाओ थोड़ा और आगे लो जल्दी लो राइट लो नीचे ये ठीक है लो एक राइट लो वहां से पैन लेफ्ट ले आगे लो आगे आगे चलो आगे आगे लो दादा नौका भैया वहाँ उतरेंगे महाराज जी वाइट लो वाइट क्या नाम है तुम्हारा सार्थक है तो बिल्कुल सार्थक है तुम्हारा नाम बहुत दूर तक भगवत कृपा से आपका आप तीनों व्यक्तियों का उनके पास भद्रं कर्णे विश्रणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षणर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितञ्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव भद्रं कर्णे श्रेणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाक्षेम ಶರಣೋ 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 ಶರಣೋ
पिता च पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्रिजादमादित्रिजानकुभवादिदेवासवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रङ्गन्न आसुव यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः 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 सामा शान्तिः हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः आतुरहमरे रमण माइक दो माइक माइक दो ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से
कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रामण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके गणपति बापा के, हम हो चुके गणपति बापा के, हम हो चुके लक्ष्मी माता के, हम हो चुके लक्ष्मी माता के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, साधु भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री गणपति भगवान की, श्री लक्ष्मी महारानी की, श्री यमुना महारानी की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, श्री रमण रीति धाम की, श्री स्वर्गाश्रम की, ब्रह्मांड घाट की, अखिल ब्रजमंडल की, सब संतन की, सब ब्रजवासीन की, सब हरिभक्तन की जय। दीपदान महोत्सव की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन, सभी वैदिकों को और ऋषि कुमारों को वंदन, अभी सभी विप्रों को वंदन, सभी ब्रजवासियों को और जो उपस्थित हैं उनको वंदन, और हमारे बाबा की कृपा से इस विज्ञान के माध्यम से दूर दराज स्थानों पर बैठे हुए आप सब दर्शक गणों को भी वंदन अभिनंदन, जय श्री कृष्णा, और आज के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। अत्यंत संक्षेप में विचार कर लें, भगवत कृपा से आज हम लोगों ने दीपदान महोत्सव का ऐसा दिव्य आयोजन किया, उसमें भागीदार हुए,
और अपने कर्मों को उज्ज्वल बनाया। दान माने प्रदान करना, समर्पित करना। दीप, दीप किसे कहते हैं? दीपयति या दीप्यति, दोनों प्रकार से दीप शब्द की निष्पत्ति होती है। जो अपने को प्रकाशित करता है उसे दीप कहते हैं, जो दूसरों को प्रकाशित करता है उसको भी दीप कहते हैं। प्रकाश स्वरूप परमात्मा का है, वो तेजोमय है, वो आध्यात्म दीप है। तो दीप वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप है, दीप अज्ञान का निवर्तक है, दीप अज्ञान का निवर्तक है, दीप हमारे कर्तव्य के विवेक का साधन है। हम आध्यात्म दीप भगवान श्री कृष्ण अथवा उन्हीं के विभूत रूप श्री गणपति, भगवती लक्ष्मी माता, श्री यमुना मैया, भगवान श्री राघवेंद्र, भगवान श्री कृष्णेश्वर महादेव, अंजनी नंदन, भगवान श्री हनुमान, कई लोग तो भगवान हनुमान की जन्म जयंती भी मनाते हैं कई स्थल पर। तो जितने भी हमारी यमुना महारानी, तो पट्टराज महिषी भी हैं और सद्गुरु रूपा भी हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं। आज के प्रसंग के ऊपर कुछ शब्दों में विचार कर लें तो दीपदान करने का तात्पर्य है, परमात्मा आप प्रकाश स्वरूप हैं, आपको हम ये दीपक प्रदान कर रहे हैं, आप हमारे हृदय के अंधकार का निवारण करें, हमारे दिव्य लोकों को, हमारे दिव्य लोकों के मार्ग को आप प्रकाशित करें, इंगित करें। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है, विशेष रूप से आज इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और छोटी दीपावली भी कहते हैं। आज के दिन शास्त्रों के अनुसार संसार में जहां कहीं भी जल है, आज गंगा भगवती वहां पहुंच जाती है। इसलिए आज के दिन स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। आज के दिन समस्त तैल में लक्ष्मी का वास होता है, तैल मात्र में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आज के दिन तैल से अभ्यंग भी किया जाता है और तैल का दीपक अथवा घृत का दीपक। दीपदान की विधि बताई है कि दीपक जब भी जलावे, या तो किसी भी तैल का हो अथवा घृत का हो, घृत और तैल के दीपक को ही दीपदान में प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और जो साधन है वो शास्त्र के अनुसार प्रशस्त नहीं है। इसलिए घृत अथवा तैल के दीपक को ही दान के हेतु, पूजन के हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। दीपक को कभी भी धरती से साक्षात स्पर्श नहीं कराना चाहिए, ये इससे धरती माता का को कष्ट होता है और जीव को उसका या दानकर्ता को उसका प्रत्यवाय होता है। अनावश्यक रूप से पैर से धरती को ठोकना अथवा दीपक को साक्षात धरती से स्पर्श कराना
शास्त्रों के अनुसार ये निषिद्ध है। इसलिए किसी दीवट में, किसी वस्तु में, किसी अन्य साधन में रखे, अगर कुछ न मिले तो दो चार अक्षत रख करके उनके ऊपर दीपक स्पर्श रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद, नैवेद्य इत्यादि के बाद घंटा नाद अवश्य किया जाता है, करना चाहिए। दीपक स्पर्श करने के अनंतर हाथ को अवश्य धोना चाहिए। अन्य कर्म करने के पूर्व दीपक स्पर्श के बाद हाथ अवश्य धो लेना चाहिए। आज के दिन विशेष यमराज के लिए जब स्नान करने के बाद तर्पण इत्यादि किया जाता है तो विशेष आदेश है शास्त्रों का। यमराज के दो कुत्ते हैं, उनको भी तर्पण करना चाहिए और उनके लिए भी दीपक जलाना चाहिए। एक काले रंग का कुत्ता, एक चितकबरे रंग का कुत्ता है। यमराज के 12 नामों को लेकर के दीपक उनको प्रदान किया जाता है। तो आज हम लोग भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, रमण बिहारी के प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान नारायण को दीपक प्रदान करने का, दीप दान करने का बड़ा महत्व है। आप लोगों ने दीपदान का ये महापर्व बड़े सुखेन संपन्न किया, हमें प्रसन्नता है। आज जितने भी दीपक जले हैं उनमें किसी में कोई केमिकल नहीं है, मिट्टी के दीपक हैं और उनमें तेल है दिव्य, इनसे प्रदूषण नहीं होगा, मिलकर धरती में मिल जाएंगे। ये जो यमुना जी में आप लोगों ने दीप दान किया, ये आटे का बना हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है, आटा है, कुछ थोड़ा सा मधुर भी है। तो ये आटा जो जल जंतु हैं उनके लिए भी है भक्ष, जो खग हैं पक्षी हैं उनके लिए भी भक्ष है, और जो पशु हैं तो हर पशु इनको ग्रहण करेगा। तो इसलिए ये दीपदान भी हो गया और उनके लिए आहार प्रदान भी हो गया। तो हम लोग सावधानी बरतते हैं कि श्री यमुना जी को प्रदूषित न होने दें। इसलिए ये दीपदान यदि किसी अन्य प्रकार से किया जाता तो संभवतः कहा जा सकता था कि ये यमुना प्रदूषित की जा रही है। यहाँ के आचार्यगण, यहाँ के जो व्यवस्थापक जी हैं, सेवादार हैं, वो सावधान रहते हैं। श्री यमुना जी का पूजन जब किया जाता है तो श्री विग्रह का पूजन करके उनकी समस्त पूजन सामग्री संचित कर ली जाती है, साक्षात श्री यमुना जी में प्रवाहित नहीं की जाती है। तो आज हम लोगों ने भगवती श्री यमुना जी का पूजन किया, प्रथम हवन किया और फिर दीपदान किया। इसके कुछ वैज्ञानिक हेतु भी हैं, सामाजिक हेतु भी हैं, आज एक दो का संकेत करते हैं, फिर अवसर आने पर विशेष चर्चा होगी। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि वर्षा के अनंतर नाना प्रकार के कीट पतंग एकत्रित हो जाते हैं, जो कि शरीर के लिए, किसी भी शरीर के लिए, जो किसी भी फसल के लिए हानिकारक हैं, तो उनका कल्याण भी हो जाए और प्रदूषण भी नष्ट हो जाए। तो दीपदान करने की विधि है। भारत, स्वच्छ भारत की कल्पना इस समय जो की जा रही है वो स्तुत्य है, लेकिन हमारे राष्ट्र में तो वैदिक काल से स्वच्छ भारत की कल्पना की, कल्पना क्यों, आदेश दिया गया है। ये नरक चतुर्दशी का तात्पर्य क्या है? घर का जितना नरक है, जितना कूड़ा करकट है, वो दूर करो, और हो सके तो अपने हृदय में भी जो नाना प्रकार का कूड़ा करकट है उसको भी दूर करो, दीपक के प्रकाश वो दूर हो जाएगा।
तो ये स्वच्छ कूड़ा करकट अरे स्वच्छ भारत की ये जो कल्पना है या प्रयास है या जो चेष्टा हो रही है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हम प्रसन्न हैं कि इसको फिर से उद्भूत किया जा रहा सबके लिए। यहाँ तक घर की सफाई तो करो, लेकिन घर की सफाई करके और बाहर कूड़ा डाल दो ये विधि नहीं है। आदेश है शास्त्र का कि गली मोहल्ले चतुरस्क, चतुरस्क माने चौराहे, इन सबको प्रक्षालित करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और तो और जहाँ ये कूड़ा संचित किया जाता है, जैसे घूरा कहते हैं, उसकी भी सफाई की जाती है। कहते हैं 12 वर्ष बाद घूरे के भी दिन बदलते हैं, तो 12 महीने बाद घूरे के दिन बदलते हैं। आज वहाँ भी दीपक दान करते हैं। तो ये अभ्यंग की इन दिनों में हवा की ऐसी स्थिति होती है कि जीवों की चमड़ी रूखी हो जाती, उसके कारण नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं। अभ्यंग इत्यादि करने से उसका शमन हो जाता है, कीट का शमन इस प्रकार से हो जाता है, वातावरण का शोधन नाना प्रकार के भौतिक अर्जित करने से हो जाता है, और सबसे बढ़ कर के गणेश और लक्ष्मी के पूजन का तात्पर्य है विवेक का पूजन और ऐश्वर्य का पूजन। ऐश्वर्य तो चाहिए, लेकिन कहीं संपत्ति विपत्ति न खड़ी कर दे, इसके लिए विवेक आवश्यक है। गणपति विवेक के देवता हैं, किम करणीयम किम अकरणीयम, किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गणेश जी विवेक देते हैं। क्योंकि कोई क्रिया अपने आप में धर्म या अधर्म नहीं है, आप अपने मन से उसको किस भावना से कर रहे हैं, आपकी भावना के अनुसार ही आपकी क्रिया धर्म या अधर्म हो जाती है। तो लक्ष्मी का हम उपयोग करें, अर्जन करें, अपने लिए करें, परिवार के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, समग्र विश्व के लिए करें, लेकिन विवेक पूर्वक करें, दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, इसके लिए विवेक आवश्यक है। तो हम गणपति का पूजन करते हैं। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, वो निवृत्त हो, इसके लिए प्रभु के चरणों में दीप दान करते हैं। ये कर्म साक्षी है, ये विघ्नों को दूर करने वाला कर्म साक्षी ही अविघ्नकृत, ये है ब्रह्म का प्रकाश है। इस रूप में हम दीपक को प्रणाम करते हैं और प्रतीक के रूप में अपनी जीवात्मा को समझो प्रकाशित करने के लिए, या अपने अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस प्रार्थना पूर्वक परमात्मा को दीपदान करके अपने अविवेक के निवारण की प्रार्थना करते हैं, अपने अज्ञान के निवारण की प्रार्थना करते हैं। हमसे कभी अनजान में भी कोई पाप न हो, हम विश्व मंगल की, राष्ट्र मंगल की, समाज के मंगल की, परिवार के मंगल की कामना सहित आत्म मंगल कर सकें, ये भगवान के चरणों में विशेष रूप से प्रार्थना है। दीपोत्सव कल भी विशेष रूप से होगा, और आज आपने जो दीपदान किया है इसके निमित्त पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रमण बिहारी लाल की।
स्वामी पथिक जी महाराज के भजन और प्रवचन 24 घंटे सुनते रहिए तरंग डिवोशनल रेडियो पर। तरंग डिवोशनल ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से।